हेलो दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। और जैसा कि दोस्तों अभी जुलाई का महीना चल रहा है, मॉनसून जो है दोस्तों वो हमारे यहाँ पे आ चुका है। और मॉनसून में आपको अपने नींबू के पौधे को किस तरह से केयर करनी है, उसको कौन सा न्यूट्रिशन देना है और कैसे उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि नींबू का जो पौधा होता है दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। और अभी जो है दोस्तों जुलाई में इसमें बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ आती है, एकदम सारा ही पौधा जो होता है वो बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा रहता है। तो इस टाइम पे इसको न्यूट्रिशन की भी बहुत ही अच्छी आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि पौधे में जब न्यू ग्रोथ आती है तो उसको अगर आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो वो जो ग्रोथ होती है वो हेल्दी नहीं होती है। ब्रांचेज टूट के गिर सकती हैं, जो फ्रूट्स आए हुए हैं वो जो है दोस्तों बड़े बड़े साइज के नहीं होंगे, और जिनके यहाँ पे फ्रूट्स नहीं आए हैं उनके पौधे में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो उनके लिए जो है दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर वो यह ट्रीटमेंट करते हैं, इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगा। और अगर आपका पौधा बारहमासिया पौधा है तो वो फिर से फ्लावरिंग करेगा, फिर से फ्रूटिंग करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो मेरा पौधा है ये बरमसिया पौधा है, और अभी इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, बहुत ही ज़्यादा मेरा पौधा में न्यू ग्रोथ आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अभी नींबू के पौधे में कीड़े मकोड़े भी लगे हुए दिखते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे ही पौधे में बारिश होती है तो कीड़े मकोड़े आके लग ही जाते हैं। तो इस टाइम पर आपको क्या कैसे इलाज करना है, कीड़े मकोड़े को कैसे हटाना है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी शेयर है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो और आप अपने पौधे को कीड़े मकोड़े से बचा सकते हो। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर लेके आई हुई हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फर्टिलाइजर मैंने आज किस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। तो फर्टिलाइजर के तौर पे आज हमने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये ब्लैक कलर के दाने। और ये दाने क्या है दोस्तों, इस ये मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और ये क्या है और आपके पौधे में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उससे पहले जो है दोस्तों फर्टिलाइजर देना ही सबसे मेन पॉइंट नहीं होता है, हमें अपने पौधे की थोड़ी बहुत केयर भी करनी होती है, उसको थोड़ा बहुत ध्यान भी देना होता है, थोड़ी बहुत उसको पैम्पर भी करना होता है। तो आपको कौन कौन से केयर टिप्स को फॉलो करना है वो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहला केयर टिप्स में यह है दोस्तों कि अभी जैसे कि बारिश होती है तो बारिश का पानी हमारे पौधे में आता ही आता है, लेकिन जब धूप आती है तो हमें अपने पौधे को पूरा ही प्रॉपर धूप दिलाने का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नींबू का जो पौधा होता है वो एक सनलाइट वाला पौधा होता है, समर वाला पौधा होता है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास करें कि धूप वाले जगह पर रखें, एकदम प्रॉपर जितना देर तक आपके यहाँ पे धूप आ रही है उतने देर तक आप उसको धूप दिलाएं। जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपने पौधे को एकदम कड़कता धूप में रखा हुआ है, उसके बाद जब बारिश का पानी आए तो आप बारिश का पानी भी अपने पौधे को जरूर से जरूर दिलाएं। ये दोनों ही चीजों का आप ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा चीज आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, आपके पौधे में जितने भी सारी जो खरपतवार निकल के आ गई है उनको आप समय समय पर हटाते रहें, क्योंकि ये जो होते हैं दोस्तों खरपतवार ये क्या करते हैं, हमारे गमले की मिट्टी में पानी को बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो इस तरह की गलती नहीं करनी है, आपको खरपतवार को समय समय पे हटाते रहना है। इस तरह से जो भी पत्तियां वगैरह जो गिरी हुई हैं उनको आपको गमले से हटाते रहना है, गमले की साफ सफाई एकदम बरकरार रखना है। गमले में साफ सफाई बनी हुई रहती है तो गमले में किसी भी तरह की फंगस वगैरह कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, हमारा पौधा का रूट जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, एकदम स्वस्थ होता है। इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद आपको जिन चीज़ का ध्यान रखना है वो यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधे पे कहीं पे भी ब्रांचेस वगैरह पत्तियां वगैरह सूखी हुई हैं, पीली पड़ रही हैं, तो उनको जब भी आप देखें तो जरूर से जरूर हटा लें। आप अपने पौधे में सूखी हुई पत्तियां या सूखी हुई ब्रांचेस खास करके बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि सूखी हुई ब्रांचेस जो होती हैं वो मकड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलावा देती हैं, मकड़ियां हमारे पौधे को धीरे धीरे सुखाने लगती हैं, और ब्रांचेस थोड़ी सी अगर सूखी हुई रहती है तो धीरे
धीरे वो जाके सारे ही पौधे को हमारा सुखा देती है। इसलिए आपको इस तरह की गलती ना करें। आप जब भी देखें कि आपकी छोटी सी भी ब्रांचेस सूखी हुई है तो आप उसको कटर के माध्यम से कट करके हटा दें। जैसे कि देख सकते हैं आप मेरे पौधे में कहीं पे भी कोई भी सूखी हुई ब्रांचेस आपको नहीं नजर आएगी। मैं अपने पौधे की बहुत ही अच्छे से केयर करती हूँ, इसलिए मेरे पौधे की इतनी अच्छी रिजल्ट आपको देखने को मिल रही होगी। देख सकते हैं मेरा पौधा जो है वो कितना ही अच्छा एकदम हेल्दी बना हुआ है। उसके बाद आपको जो काम करना है दोस्तों वो यह करना है कि आपको अपने गमले का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा रखना है, क्योंकि जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो इस टाइम पे अगर आपके पौधे का ड्रेनेज सिस्टम खराब रहेगा तो वो आपके पौधे के रूट्स को खराब कर सकता है। और आपका पौधा का रूट्स अगर खराब हो जाएगा दोस्तों तो धीरे धीरे वो आपका पौधा को धीरे धीरे बिल्कुल ही खराब कर देगा। इसलिए पौधे का ड्रेनेज बिल्कुल भी अच्छा रखें। और एक नींबू का जो पौधा होता है उनको चिपचिपा मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है। जब तक उसके गमले की मिट्टी सूखे ना तब तक आप इसमें पानी ना दें। आप बिल्कुल इस बात का भी ध्यान रखें, गमले की मिट्टी का सूखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गमले की मिट्टी जब सूख जाए तो आप फिर उसमें पानी दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऐसी क्वेरीज आई हुई थी कि मेरा जो नींबू का पौधा है वो 2 से 3 दिन तक तो सूखता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, उसमें पानी दूं या ना दूं। तो नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं देना है। जब तक मिट्टी आपको सूखी हुई ना नजर आए तब तक आप उसमें पानी ना दें। मिट्टी जब सूख जाती है तो फिर आप उसमें पानी दे दें, चाहे उसमें 2 दिन लगे या 1 सप्ताह लगे। आप ऐसा ना सोचे कि मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया हुआ है तो मुझे पानी दे देना चाहिए। इस तरह की गलती जब इंसान करता है तो वही जो छोटे छोटे कारण होते हैं वही पौधे को धीरे धीरे खराब कर देते हैं। और लोग कहते हैं कि हमारा जो पौधा है वो खराब हो चुका है, तो वो हमारे ही मिस्टेक होता है दोस्तों। उसी के कारण से हमारे जो पौधे हैं वो खराब होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैंने टिप्स आप सभी को बताया, ये बहुत ही नॉर्मल से टिप्स थे और बहुत ही सिंपल से टिप्स थे, लेकिन आपके पौधे में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत ही अच्छा आपके पौधे में काम करेगा। इन टिप्स को आपको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब चलिए मैं बताती हूँ कि न्यूट्रिशन के तौर पर हमने जो चीज लिया हुआ था वो दोस्तों क्या था। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये ब्लैक कलर के दाने का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ आज न्यूट्रिशन के तौर पे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो है दोस्तों ये क्या है। तो ये जो है दोस्तों ये है DAP, डाई एमोनियो फॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। और बहुत सारे लोग DAP नहीं समझ पाते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो खास करके नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए जो है दोस्तों इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। DAP जो है दोस्तों ये एक उर्वरक है, ये एक खाद है। आपको कोई भी बीज भंडार वगैरह में ये बहुत आसानी से मिल जाएगा, और खेती बाड़ी में इसके बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। ये नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। NPK का सोर्स जो है दोस्तों ये भरपूर मात्रा में इसमें भरा हुआ होता है। और सारे ही जो खेती बाड़ी करते हैं बड़े बड़े वो लोग इस DAP का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो ये DAP जो है दोस्तों नर्सरी वाले भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए नर्सरी में आप कोई भी पौधा आप देखोगे वो फ्लावर्स से भरा हुआ होगा या फिर फ्रूट से भरा हुआ होगा या फिर बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये DAP का कमाल होता है दोस्तों। तो ये DAP आप समझ गए होंगे। तो आप कहीं पे भी मार्केट वगैरह से इसको उपलब्ध करवा सकते हो। ये आपको जो बीज भंडार वगैरह में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और इसके हमारे पौधे में बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। ये फ्लावर की जो है फ्लावर्स को लाने में भी, ये वृद्धि करने में बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले करता है, और तो और जो है दोस्तों फ्रूटिंग करने में भी बहुत ही ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो आज मैं लिक्विड के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो कितनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है वो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ जो है दोस्तों मैं 2 पौधे के लिए जैसे कि इस्तेमाल कर रही हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ जो है हमने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच DAP डाल के और इसको इस तरह से जो है दोस्तों यहाँ पे घुलने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इसको घुलने में जो है दोस्तों वो कुछ वक्त लगता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे डाल के छोड़ दिया हुआ था। इसके बाद मैं यहाँ पे और भी एक दूसरा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों। और जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, वो है ये व्हाइट कलर की चीज। तो ये क्या है दोस्तों, ये है फिटकरी। और ये फिटकरी जो होता है दोस्तों इसको एलम के नाम से जाना जाता है, और ये मैग्नेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। आपके पौधे की जो है दोस्तों पीएच लेवल को भी ये बना के रखता है, आपकी मिट्टी को फर्टाइल बना के रखता है। इसलिए महीने में एक बार आप इस फिटकरी का भी इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। तो ये फिटकरी का इस्तेमाल जो है दोस्तों इसको भी आपको सही तरीके से ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और कोई भी ग्रोसरी स्टोर में ये बहुत ही कम रेट में और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ DAP को हमने घोल के छोड़ दिया था, ये बहुत ही अच्छे से घुल चुका है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इसको 1 मिनट तक इस तरह से डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद 1 मिनट बाद जो है दोस्तों हम लोग इसको निकाल देंगे, और कितनी मात्रा में पानी का डायल्यूट करके और इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ।
तो जैसा कि दोस्तों 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फिटकरी को हम लोग इससे निकाल लेंगे। और ये डीएपी जो है दोस्तों ये पानी में घुल चुका है, देख सकते हैं आप, पानी का कलर चेंज हो चुका है। और ये फिटकरी के कारण जो है दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये पानी में व्हाइट कलर के जो है व्हाइट कलर का पानी हो चुका है, ये फिटकरी के कारण जो है दोस्तों हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ हमने 3 लीटर पानी ले लिया है और 3 लीटर पानी में 1 लीटर फर्टिलाइजर को डाइल्यूट कर लेंगे। मतलब ये हमारा जो फर्टिलाइजर है ये 4 लीटर बन के तैयार हो चुका है। तो 2 गमले के लिए जैसे कि मैंने बताया, तो 1 गमले में मैं जो है दोस्तों 2-2 लीटर करके, तो यहाँ मैंने जो है दोस्तों कुछ टाइम पहले ही अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई की हुई थी, तो मेरे गमले की मिट्टी को गुड़ाई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करूंगी डायरेक्ट, और ये जो मेरा मग है दोस्तों ये 1 लीटर का मेजरमेंट है, तो 1 लीटर करके इस तरह से जो है दोस्तों मैं इसमें 2-2 मग करके और दोनों ही गमले में डाल दूंगी। और ये जो मेरा गमला है दोस्तों ये बड़ा साइज का गमला है, और जब भी आप नींबू का पौधा लगाएं तो आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो है दोस्तों बड़े साइज के पॉट में ही नींबू का पौधा लगाएं, क्योंकि नींबू का जो रूट्स होता है दोस्तों वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है और उसको नीचे बहुत ही ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। तो रूट्स के ग्रोथ अगर अच्छे से नहीं होंगे तो पौधा का भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि नींबू के पौधे को आप बड़े पॉट में ही लगाएं, या फिर जो है दोस्तों आप जमीन पे लगा सकते हो। दोनों ही जगह पे आपको इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सेम प्रोसेस में करना है, और तो और जो है दोस्तों आपको इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल महीने में एक बार ही करना है। तो मैं अपने पौधे की इसी तरह से केयर करती हूँ, इसी तरह से मैं अपने पौधे को न्यूट्रिशन देती हूँ। और देख सकते हैं आप मेरे पौधे का रिजल्ट, मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी इसकी रिजल्ट आती है। मैं जब भी कोई भी फर्टिलाइजर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, तो जब मेरे पौधे में अच्छी रिजल्ट आई हुई होती है मैं एक्सपेरिमेंट खुद कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है दोस्तों मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।